तो गाइस अभी तो हम पहुंच गए तीन दरिया। तो गाइस दार्जिलिंग सफ़र का फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था सुकना तक। अभी ये सेकंड क्लिफ है और सुकना से स्टार्ट किया है, अभी दार्जिलिंग की ओर जा रहा है। गाइस जैसे कि बोला था, मौसम जो है पूरा बादल छाया हुआ है, तो लगता है बारिश तो आने वाला है। देखते हैं रास्ते में क्या होता है। दार्जिलिंग का जो सफ़र है, देखते हैं कहाँ जाके रुकता है। देखिए रास्ता का बीच से ये ट्रैक गया। एक्चुअली टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है ये जंगल का बीचों बीच से गया है, ताकि ये हिल का जो नज़ारा है वो विजिटर लोग अच्छे से देख सके। धीरे धीरे हमारा रॉयल एनफील्ड ऊपर चल रहा है। और ये चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जो है आप लोगों के लिए एक ट्रेडिशनल टूर मोटोब्लॉग लेके आते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस चैनल में अपलोड हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं दोनों तरफ घने जंगल है। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया है, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है गार्ड वॉल। लेकिन कोई कोई जगह पे वॉल नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सेफ्टी के साथ राइड करना है। मेरे जैसे राइडर भाई लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जहाँ पे हिल का गार्ड वॉल नहीं है वहाँ पे थोड़ा सावधानी होके राइड करिएगा। यहाँ का जो ट्रान है ना, बहुत डीप ट्रान है, हिल का रूट ही ऐसा होता है। और सुकना के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रोंगटोंग, रेलवे का जो डेस्टिनेशन है नेक्स्ट स्टेशन वो है रोंगटोंग। देखते हैं रोंगटोंग कितना टाइम में पहुंचते हैं। गाड़ी धीरे धीरे चला रहा है, उतना जल्दबाजी ठीक नहीं है, खास तौर पे हिल पे। तो धीरे धीरे चलाने से ठीक है, समझदारी से राइड करिए और सेफ्टी के साथ राइड करना ज़रूरी है। तो गाइज आ गया रोंगटोंग स्टेशन में। तो ये जो टॉय ट्रेन का सुकना के बाद जो रेलवे स्टेशन है वो ये रोंगटोंग है। और ये रोंगटोंग स्टेशन एनजीपी से कितना ऊपर है वो भी यहाँ का जो बोर्ड है उसमें मेंशन किया है, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए ये 1404 फीट ऊपर स्टेशन है, मतलब हम लोग 1404 फीट ऊपर आ गया।
ऑसम, ब्यूटीफुल प्लेस। एकदम नीचे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ से हम आया और देखिए कितना ऊपर चढ़ गया अभी। चलिए और भी बहुत रास्ते जाना है। दार्जिलिंग सफ़र में अगर रास्ते में दार्जिलिंग टी का मज़ा ना लिया जाए तो वो सफ़र अधूरा रहता है। तो रास्ते में मिल गया था, रास्ते में एक छोटा आउटलेट मिल गया था, वहाँ पे दार्जिलिंग टी का मज़ा लेके फिर से निकल पड़ा। तो गाइस अभी तो हम पहुंच गए तिंदरिया और यहाँ का जो नज़ारा है भाई साहब, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। भाई साहब क्या नज़ारा है गाइस, ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल प्लेस देखने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसा ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल ट्रिप आप लोगों के लिए इस चैनल में अपलोड होता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा दार्जिलिंग सफ़र का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी आने वाला है, आप लोग चैनल के साथ जुड़ा रहिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरों का भी हक है ये वीडियो देखने का, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।